नमस्कार, मैं अमर धरलाल। आइए आज बात करते हैं शोध की विशेषताओं के बारे में एवं शोध के उद्देश्य के बारे में। सबसे पहले देखते हैं शोध की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च। पहली विशेषता, यह घटनाओं, व्यवहारों या समस्याओं का सूक्ष्म अध्ययन करता है। दूसरा, वैज्ञानिक उपकरणों एवं विधियों का प्रयोग किया जाता है। वही तीसरा विशेषता है, नवीन विचारों, तथ्यों, सिद्धांतों एवं प्रविधियों की खोज का एक साधन है। वही चौथी विशेषता है, शोध समस्या से संबंधित, यह सामाजिक व्यवहारिक समस्याओं के हल निकालने में प्रयोग की जाती है। अब देखते हैं शोध के क्या उद्देश्य होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिसर्च। सामान्यतः शोध या अन्वेषण करने का मुख्य उद्देश्य समस्या का हल निकालने से है, परंतु पीवी यंग ने अपनी पुस्तक साइंटिफिक सोशल सर्वे रिसर्च में शोध करने के निम्न उद्देश्यों का उल्लेख किया है। पहला, नवीन तथ्यों की खोज करना। दूसरा, पुराने तथ्यों की पुष्टि और जांच करना। वहीं तीसरा, सैद्धांतिक संदर्भ संरचना के अंतर्गत उनके अनुक्रमों, पारस्परिक संबंधों व कारणों की विवेचना, व्याख्या व विश्लेषण करना। वहीं चौथी विशेषता है, नए वैज्ञानिक उपकरणों व सिद्धांतों को विकसित करना। तो आज हम लोगों ने शोध की विशेषताएं एवं शोध के उद्देश्य के बारे में जाना। जल्द ही मिलते हैं नए वीडियो के साथ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएँ। धन्यवाद।